तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए, फिर आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी। और दोस्तों वहाँ पर सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें रेलवे हुआ, SSC हुआ, ऑल इंडिया करंट अफेयर हुआ, एशियन गेम्स हुआ, MP करंट अफेयर हुआ, तो आप उन सभी की दोस्तों PDF फाइल भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए और आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो जो हीरा चमकदार होता है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ये ऐसी कंडीशन क्यों होती है? तो देखिए ये दोस्तों आप जानते हो कोई माध्यम है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कोई किरण यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और यदि कोई किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो इस जानकारी को तो आप पहले अच्छे से याद रखिए। अब देखिए दोस्तों क्या कंडीशन होती है, पहले तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आप जानते हो दोस्तों ये अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी, तभी तो ये कंडीशन बनेगी कि वापस परावर्तित हो जाए। तो दोस्तों पहले ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले आपको क्रांतिक कोण जानना जरूरी है। तो क्रांतिक कोण दोस्तों वह कोण होता है जिसमें अपवर्तित किरण 90 डिग्री हो जाए अभिलंब से 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर जो कोण होगा ये कौन सा कोण होगा? क्रांतिक कोण होगा। इस जानकारी को आप अच्छे से याद रखें। और कंडीशन दोस्तों सघन से विरल में होनी चाहिए, क्योंकि विरल में होगा तभी तो वो अभिलंब से दूर जाके इधर आएगी, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखें। तो उसके बाद दोस्तों इस कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जानते हो किरण वापस लौट जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हो दोस्तों रेगिस्तान में मृग मारीचिका भी इसी का उदाहरण है, हीरे का चमकना भी इसी का उदाहरण है। तो मैं आशा करूंगा आप ये जानकारी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये दोस्तों गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो जो दोस्तों दूध की शुद्धता होती है उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो जो दोस्तों ये मोती होता है ये मुख्य रूप से किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, ये तो आप स्वयं जानते हैं, और ऑक्सीजन से ही मनुष्य जीवित रहता है, इसलिए दोस्तों पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवक का कार्य करते हैं? सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो ये कौन से ऊतक हो जाएंगे? एपिथीलियम ऊतक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? तो ये तो बहुत आसान है, कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो के अंत के बाद आप शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये किसने पिघलाया था? डेवी ने पिघलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस जानकारी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष आप जानते हो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पार्सेक। और ऐसा भी आ सकता है, पार्सेक किस चीज को नापने के लिए? दूरी को मापने के लिए, ये भी आप याद रखें। और एक पार्सेक कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य एक पार्सेक होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने के काम आता है? तो डेसिबल जो होता है किसे? ध्वनि के मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो हुई थी वो कब लागू हुई थी? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं,
उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सदिश राशियां कहेंगे। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ये तो आप जानते हो। चाल किस प्रकार की राशि है, तो चाल अदिश राशि है। ये भी आसान क्वेश्चन है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा भी अदिश राशि है। त्वरण किस प्रकार की राशि है, तो त्वरण तो आप जानते हो किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। और त्वरण जानते हो यदि वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परमाणु विद्युतता होते हैं, तो परमाणु विद्युतता क्या होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को किस इकाई के रूप में मापते हैं, डायोप्टर के रूप में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो ये वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की दोस्तों इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। आप ये भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो जो ये दोस्तों तपेदिक, जो तपेदिक रोग होता है ये किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर हो जाएगा। ये तो आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया था, तो पहले तो आपको याद रखना शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये भी आप याद रखें। और ये किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया था, तो ये जेम्स वाट के नाम के सम्मान में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और प्रिंसिपिया नामक जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, ये भी न्यूटन ने ही लिखी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्मॉल जी का मान घटता जाता है। और पृथ्वी तल के केंद्र पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आ भी गया, तो कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, तो जैसा आप जानते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन ध्रुवों पर ये जी का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यदि इस स्पीड से यदि पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगी, पृथ्वी तल से फेंकी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का जो घनत्व होता है ये किस यंत्र से मापा जाता है, तो जो दोस्तों ये द्रव का घनत्व होता है ये किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, तो ध्वनि तरंग जब चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं। ये तो आप अच्छे से जानते हो। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि निर्वात में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, मैंने पिछली वीडियोज में बता रखे हैं। और यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाके प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं। वहां पर दोस्तों रेलवे की भी पूरी तैयारी कराई जा रही है, रेलवे आरपीएफ हुआ उसकी भी पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य का कौन सा भाग, किरीट भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं, तो जो दोस्तों सूर्य की किरणें होती है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइपराइटर यानी जो टंकण मशीन होती है उसके आविष्कारक कौन है, उसके आविष्कारक कौन थे, तो उसके आविष्कार कौन हो जाएंगे, ये सॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कपड़ों में जंग के धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो जो दोस्तों गन्ने में लाल सड़न रोग होता है ये किसके द्वारा, कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए ऐसी पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है, तो ऐसी पद्धति में चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन कोण का मात्रक क्या है, तो घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उसकी ये चाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। जैसा कि आप जानते हो न्यूटन की गति के पहले नियम में कहा गया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। जैसे बंदूक वगैरह हम चलाते हैं तो बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है और थोड़ा हमें पीछे धक्का लगता है पीछे की ओर, ये किसका उदाहरण है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रिंसिपिया जो नामक बुक है उसमें न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जो दोस्तों गति का पहला नियम है उसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा, लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो जो दोस्तों ये निद्रा रोग नामक बीमारी किसमें होती, क्या होती है, ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशीय जीव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म जो वनस्पति विज्ञान होता है उसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसीबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो जो डेसीबल होता है दोस्तों वो ये वातावरण में ध्वनि को नापने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आप जानते हो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो जो ये दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ियां होती है ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो जो दोस्तों पोलियो का जो वायरस होता है शरीर में प्रवेश किस तरह करता है, दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो जो ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो सर्वदाता होता है और ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वग्राही होता है, आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ये रिपीट हो चुका है, लैक्टोमीटर द्वारा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो ये आंधी आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संकेत देता है? तो यह आ चुका, वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारे का हिमांक कितना होता है? तो पारे का हिमांक कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो जल की बूंद जो होती है ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब तो आप जानते हो किस प्रकार की राशि है, ये अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो जो दोस्तों आर्किमिडीज थे ये किस देश से? ग्रीस से संबंधित थे। इस जानकारी को भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वॉटसन द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जो दोस्तों सौर ऊर्जा होती है ये किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा हो जाएगा? ये नीम का वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो जो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री होता है उसे बाहर का पूरा आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में आप जानते हो हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए जो लाल चींटियां होती है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल चींटियों में कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो संवेग बराबर आप जानते हो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, पी बराबर एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये किससे हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यदि v को इधर नीचे ले जाएंगे तो p अपॉन v बराबर क्या हो जाएगा? m। यानी कह सकते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त हो रही है? द्रव्यमान प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए बल किसका गुणनफल है? तो जो ये बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है उसके भार में क्या कमी प्रतीत होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? शून्य प्रतीत हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों
साथ दोस्तों आप अनअकैडमी पे जाके प्रमोद राणा सर्च करके आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज, जिसमें देखिए एशियन गेम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको लेसन मिल जाएंगे, तो एशियन गेम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। ऑल इंडिया करंट अफेयर आप जाएंगे तो मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश की योजनाएं, एमपी करंट अफेयर मिल जाएगा, ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, उन सभी के कोर्सेज के लेसन भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर 7 लेसन डाले गए हैं, इसके अंदर 9 लेसन डाले गए हैं, इसके अंदर 5 लेसन डाले गए हैं, तो आप ये पूरे वहाँ जाके देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। और बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको वहाँ PDF फाइल भी प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपको नहीं पता चलता PDF फाइल, तो आप वहाँ फॉलो पे क्लिक करके जैसे ही मैसेज का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी अच्छे से पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और नए मानो से विनती है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।